कश्मीर की खिजां एक ऐसी बहार है जिसमें हर पत्ती फूल बन जाती है। घने सायादार चनारों की पत्तियां दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख होकर हवा की मदम सरसराहट पर अपनी शाख से जुदा होती है और चकराती हुई इस धरती सुंदर धरती को सजदा करने चली आती है। यही वो लम्हा है जब कविता और केसर का संगम होता है। 10वीं सदी ईस्वी में कश्मीर के मशहूर संस्कृत के महाकवि बिलहन ने क्या खूब कहा है। सहोदरा कुमकुम केसराणा भवन्ति नूनम् कविता विलासाः न शारदा देशं पास्य येषां मयाद्य दुष्टाः कश्चन प्ररोहः मयाद्य दुष्टाः कश्चन प्ररोहः कश्चन प्ररोहः। उन्होंने कविता और केसर को आपस में सगे भाई बताया है और इस बात पर फख्र किया है कि पूरे मुल्क में कश्मीर ही वो जगह है जहां फिजा में रूहानियत और मासूम प्यार के नक्मे गूंजते हैं और जमीन से केसर या जाफरान उगता है। अब से तकरीबन 2200 साल पहले संस्कृत के मशहूर ड्रामा निगार भास ने अपने 14 नाटकों में केसर का बार बार जिक्र किया है। मशहूर बौद्ध कवि अशुघोष ने बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के माथे को कुमकुम केसरश्री यानी केसर की तरह सुंदर और चमकीला कहा है। सर लॉरेंस अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि अब से तकरीबन 100 साल पहले तक केसर की खेती सिर्फ 132 एकड़ जमीन पर हुआ करती थी और इसके लिए पांपोर, लथपुरा, बालहोम, ख्रियू, खनमू और चंदनहार का इलाका मौजू समझा जाता था, मगर अब तकरीबन 1300 एकड़ जमीन पर जाफरान की खेती होती है। इसका सिलसिला एक तरफ पुलवामा तो दूसरी तरफ बड़गाम और चरार शरीफ के इलाकों तक फैल चुका है। इतना ही नहीं, अब तो बारामूला और किश्तवाड़ में भी जाफरान की कलियां कामयाबी के साथ उगाई जा रही हैं। केसर की खेती के लिए हल्की नर्म जरखेज जमीन मौजू होती है। केसर की क्यारी चकोर शक्ल की होती है। आजकल जो क्यारियां बनाई जाती हैं वो लंबी होती है। इसके चारों अतराफ लगभग 1.5 मीटर होते हैं। इस क्यारी के चारों तरफ पानी के निकास के लिए एक चौड़ी नाली होती है। केसर की क्यारी इससे 25 या 30 मिलीमीटर उभार कर बनाई जाती है। इस क्यारी की कतारों में केसर के बल्ब बो जाते हैं जो एक कतार में 10 से 12 तक होते हैं। बल्ब का वजन 10 से 15 ग्राम तक होता है। एक बल्ब दूसरे छोटे छोटे बल्बों को जन्म देता है। जाफरान की ये क्यारी लगभग 10 साल तक एक समान बनी रहती है।
10 साल के बाद बल्बों को जमीन से निकालकर परती जमीन में बो दिया जाता है, जिससे केसर के फूलों की उपज में इजाफा होता है। जाफरान के खेतों की गुड़ाई साल में दो बार होती है, पहली मई में और दूसरी अगस्त और सितंबर के महीने में की जाती है। केसर का फूल उभरे हुए नुकीले तने से तकरीबन 4 मिलीमीटर ऊपर आता है। इसकी बाहरी पंखड़ियां 6 होती हैं। उनका रंग हल्का बैंगनी होता है। कली की शक्ल में पंखड़ियां तनी हुई होती हैं। ज्यादा खिलने की सूरत में ये ढीली पड़ जाती है। केसर की कली के अंदर केसरिया रंग की 3 अलग अलग फुंगनियां होती हैं और 3 पीले रंग की। लाल रंग की फुंगनियां शाही केसर या मूंगरा कहलाती हैं। केसर के फूलों को आमतौर से अक्टूबर के महीने में और कभी नवंबर के शुरू में चुना जाता है। केसर के फूलों के चुनने का मौजू वक्त सुबह का समझा जाता है। औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां सभी फूल चुनते हैं। उन्हें टोकरों में जमा किया जाता है और घर पहुंचकर पंखड़ियों को अलग कर लिया जाता है। और इसके बाद लार और पीली फुंगनियों को अलग अलग रखा जाता है। एक बल्ब से आमतौर से 3 फूल मिल सकते हैं। पहला फूल तोड़ने के कुछ 10 रोज बाद दूसरा फूल आ जाता है और इसके 10 दिन बाद तीसरा फूल।
पहले और दूसरे फूल से हासिल हुआ केसर तीसरे फूल के केसर से बेहतर समझा जाता है। केसरिया फूनियाँ ऊपर से नीचे तक केसरिया होती हैं और टूटती नहीं, यही सबसे बेहतर केसर समझा जाता है। जाफरान के कई नाम हैं, मसलन कुमकुम, केसर, केशर, अग्निशिखर, पीतम, सूर्य संग वगैरह वगैरह। कश्मीरी जबान में इसे कुंग कहते हैं, जो कुमकुम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। हमारे पास जनाब मुश्किलात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास मशीनें नहीं हैं जी। हमें ये तकलीफ़ है कि हमें हाथ से उठाना पड़ता है। बाकी बाहर मुल्कों में जैसे स्पेन का बड़ा मुल्क है फॉरेन में, वहाँ पर मशीनें हैं, वो मशीन से ही काटते हैं, उठाते हैं, सुखाते हैं, हर कोई चीज़ वहाँ से करते हैं। और हमारी दूसरी मुश्किल ये है कि अगर हम बाहर ये भेज देंगे, हमारी हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है इस एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जो हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है विद रिगार्ड टू सैफरान, जो सैफरान से मसलन ये परफ्यूम में जाती है, हम तो यहाँ परफ्यूमरी यहाँ डेवलप नहीं हो रही है हमारे स्टेट में, वरना जो हमारा जो रस सैफरान आता तो हम खुद यहाँ इसको डेवलप करते। मसलन जर्दा में जाता है, हमारे यहाँ स्टेट में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ जर्दा मैन्युफैक्चर हो और उसमें हम इसकी ब्लेंडिंग करें सैफरान की, या जो ये जो आयुर्वेद है या ये क्या कहते हैं इसको स्लरीज जो हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं है। और हमको भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिखाई देती है कि अगर हम सैफरान को उसमें लगाएं और उस इंडस्ट्री में हमको टेक्निकल नो हाउ मिल जाए, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी फैसिलिटीज हैं। कश्मीर के सदाबहार हुस्न की जमानत यूं तो बहुत सी चीज़ें हैं, मगर इनमें ज़ाफ़रान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मशहूर मौर्रख कलहन भी केसर के जादू से आज़ाद नहीं। वो राज तरंगनी में लिखता है, विद्या वेश्मानि तुंगानि कुमकुमं सहिमं पयः द्राक्षेति यत्र सामान्यम् अस्ति त्रिदिव दुर्लभम् त्रिदिव दुर्लभम् त्रिदिव दुर्लभम्। तालीम, ऊंची हवेलियां, केसर, ठंडा और मीठा पानी जो स्वर्ग में भी नहीं मिलते, कश्मीर में दस्तियाब है। कश्मीर के तांत्रिक साहित्य में केसर की बाहरी छह पंखड़ियों को षटकोण से इबारत किया। कली के अंदर की तीन पीली फुंगनियां सृष्टि, स्थिति और बर्बादी का इजहार है, और लाल तीन फुंगनियां तीन बुनियादी तत्व का मजहर है, वो हैं शिव, शक्ति और कायनात। ये पापुर की जाफरान उगाने वाली जमीन थी, जहां एक सुबह एक हसीना जून केसर के फूल चुन रही थी। साथ ही साथ अपने ससुराल के दुखों को कविता का रूप देकर अपनी दर्द भरी मधुर आवाज में गाई जा रही थी। उस वक्त शाह कश्मीर यूसुफ शाह चक शबनम से नहाए हुए केसर के फूल देखने निकला था। कविता और केसर का यह खूबसूरत संगम, जून की आवाज का जादू,
और उसके बेमिसाल हुस्न ने बादशाह वक्त का दिल जीत लिया और गांव की एक अल्हड़ दोशीजा हब्बा खातून बनकर कश्मीर की महारानी बन गई। जाफरान का एक बहुत ही अहम रूप दवा का भी है। हकीम चरक ने पहली सदी ईस्वी में कश्मीर के केसर की तारीफ में यहाँ तक कहा था, कश्मीर का केसर लाइलाज बीमारियों के लिए एक अचूक दवा है। केसर महज बहुत सी बीमारियों का इलाज ही नहीं बल्कि जिस्म के अंदर एक ऐसी कुव्वत भी पैदा करता है जो बहुत सी बीमारियों को करीब फटकने भी नहीं देती। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि भारत के हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों के लिए केसर खास अहमियत रखता है। माथे का तिलक केसर और चंदन को घिसकर बनाया जाता है। हिंदू और जैन धर्म के मानने वाले हर रोज सुबह पूजा के वक्त मूर्तियों को केसर का टीका लगाते हैं। कम कर तले बेणुम करे कंकणम सर्वांग हर चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जैन मंदिरों में खास तौर से केसर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। श्रीमते जिनेन्द्राय केसर चंद्रम यजामहे स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय। श्रीमते जिनेन्द्राय केसर चंद्रम यजामहे स्वाहा। भैया दूज एक ऐसा त्योहार है जो हमारे कल्चर में भाई और बहनों दोनों के लिए बहुत अहम है। इस रोज बहनें अपने भाइयों को केसर का टीका लगाती हैं। शादीशुदा लड़की जब पहली बार विदा होती है तो शुगन के तौर पर दही का डोल उसके साथ भेजा जाता है जिसे केसर की फुगनियों से सजाया जाता है। कश्मीरी कहवा जिसकी लज्जत का जवाब नहीं, इसके जायके और खुशबू का बड़ी हद तक जिम्मेदार साफरान है। और कश्मीरी वाजवान जिसकी शोहरत सिर्फ वादी नहीं, मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर तक पहुंच चुकी है, इसमें भी जाफरान का इस्तेमाल होता है। चांदनी रात में केसर की क्यारियों का हुस्न लाजवाब होता है। वहां पहुंचकर ऐसा लगता है के सरों पर ठहरी हुई फिक्र और परेशानी की भारी हवा अचानक हल्की हो गई है, दुखों की गरज छट गई है और हमारे लबों से बेख्तियार हंसी के फव्वारे उबलने लगते हैं। जबी तो बेख्तियार हंसी को जाफरानजार कहा जाता है। जिस्मानी और रूहानी ताकत का ये पैकर, ये नन्ना सा बैंगनी फूल धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर के लिए कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है। इसकी बड़ाई के साक्षी एक पुजारी से लेकर शहंशाह तक, एक आदमी से लेकर भगवान तक सभी रहे हैं। जाफरान की खेती महज एक जज्बाती मामला नहीं, इससे तकरीबन 15,000 से 20,000 तक के कुनबों का रोजगार वाबस्ता है। ये फूल मोहब्बत का फूल है, अकीदत का फूल है, बहन के बेलौस प्यार का फूल है, आलमी भाईचारे और अमन का फूल है, क्योंकि ये हमें केसर देता है। केसर जो हमारी शक्ति है,
हमारे वजूद का एक अटूट हिस्सा है। कार्तिक फुल हंस कंगई पोषो मोचस रट थम उडिर पेठ जाय सिद्धि छुक शिवनाथ स्तोषो सर्यु तपरशौ सदाशिव सर्यु तपरशौ सदाशिव सर्यु तपरशौ सदाशिव।